चुके हैं साजी की डेयरी पर, यहाँ पर करेंगे फुल मस्ती। क्या क्या मेनू में है ये भी हम देखेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल फहीम पर्सनल ब्लॉग्स। इस टाइम मैं हूँ अशोक हॉस्पिटल में और यहाँ पर इमरजेंसी आना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारी भांजी है वो है हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती। और सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी फील्ड से निकल गया था और निकलने के बाद मुझे जब खबर मिली समथिंग 12 o'clock के टाइम में आया घर पर, तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हो गया है डेंगू, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और इस टाइम एडमिट हैं। और फाइनली जो इलाज चल रहा है प्लेटलेट उसमें बहुत ज़्यादा कम आई है और डेंगू की शिकायत ज़्यादा मिल रही है। तो आप लोग सभी सावधान हो जाएं, प्रोटेक्शन हो जाएं और बाहर की चीज़ अवॉइड करें क्योंकि इस टाइम डेंगू टाइफाइड वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझको भी 1 week से फीवर आ रहा है, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। मैं भी टेस्ट करा लिया है लेकिन मेरा वायरल टाइफाइड आया है और आई थिंक मैं भी दवा खा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि कार में बैठा हुआ हूँ, दवा लेने के लिए आया तो सोचा कि कार में ही ब्लॉग शूटिंग कर ली जाए और उसके बाद हम दिखाएंगे अगला व्यू। तो पहले सबसे पहले खाते हैं दवा। और अशोक हॉस्पिटल में सी साथी पड़ता है दादरी रोड पर, दादरी और सिकंदराबाद रोड पर ये पड़ता है और इसकी लोकेशन काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है। आगे भी मैं आपको इसका बैनर वगैरह या बिल्डिंग वगैरह दिखाऊंगा। तो सबसे पहले खाते हैं हम दवा, क्योंकि दवा सुबह मैंने मॉर्निंग में खा ली थी, अब दोपहर की एक फर्स्ट गोली है और साथ ही साथ अब शाम को मुझे टैबलेट खानी है। तो देखते हैं, पहले खाते हैं दवा, निकलते हैं फिर अगले। तो गाइस देख सकते हैं ये है टैबलेट जो मुझे सुबह मैंने डोज खा ली है। अब दोपहर में 2 tablets हैं, एक एंटीबायोटिक है जिसमें नीमो पैरासिटामोल की, जो बार बार फीवर आ रहा है। हालांकि मुझे अभी बॉडी मेरी बहुत ज्यादा हीट है और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये टैबलेट देख सकते हैं खा रहा हूँ मैं फिलहाल। बड़ी समस्या हो जाती है जब इंसान एक हेल्थ को लेकर परेशान हो जाता है, तो उसको गिल्टी फील होता है, मन उसका उदास रहता है, ठीक नहीं रहता और बेचैन रहता है। हालांकि मैं थोड़ा काफ़ी बेटर हूँ कल से, मैंने जब भी दवा मेरी चली है, इंजेक्शन वगैरह चले, अब कल से काफ़ी बेटर हूँ। खा लिए इस टाइम दवा, मेडिसिन खा लिए, हम निकलते हैं सीधा ऊपर की ओर। तो समथिंग सेकंड थर्ड फ्लोर पर एडमिट है हमारी जो भांजी है, सम थर्ड फ्लोर पर है, वहां पर जाके हम बैठेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ। और मेरी जहाँ कार खड़ी है वहां का भी आपको पूरा फ्रंट दिखाता हूँ। गाइस धूप बहुत तेज है और हम अब हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो चुके हैं। जाना है मुझे थर्ड फ्लोर पर, ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ का जो ये बैकग्राउंड है, साथ ही साथ अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो थर्ड फ्लोर पर जाना है जहाँ पर है हमारे जो पेशेंट है वो एडमिट, वहाँ पर हम चल के देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमें जो टाइम स्पेंड करना होता है वो भी काफ़ी समय लग जाता है। ये आ चुके हैं हम आईसीयू जहाँ पर हमारा पेशेंट एडमिट है और यहाँ का ये विंडो है जहाँ से आउटलुक ऑफ दिख रहा है और सीधा ये हाईवे की तरफ जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कुछ, ये इधर जनरल वार्ड है, एक आईसीयू है, एक ओटी है। ये मैं हल्का सा खिड़की खोल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये आईसीयू है जिसमें हमारे मरीज पेशेंट एडमिट हैं। 2 to 2.5 hours स्पेंड करने के बाद अब हम निकलते हैं वापस घर की ओर, सीधा पकड़ेंगे, पहले निकालेंगे ग्राउंड से गाड़ी। अब ये धीरे धीरे हम नीचे मैडम को लेकर उतर रहे हैं क्योंकि सीढ़ियों से आना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ये सिंपल रास्ता है। अगर जल्दी आना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इस रास्ते से आ सकते हैं। तो हमारी साइड में लग रही है गाड़ी, गाड़ी को लेंगे और सीधा निकलेंगे बाहर की तरफ। वहाँ पर हमारी सारी फैमिली खड़ी हुई है, तो फैमिली को हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद निकलते हैं हाईवे की तरफ। ये अस्पताल आपने देख लिया होगा, ये है अशोक हॉस्पिटल जो मेन दादरी रोड पर लगता है
और ये सीधा दादरी और सिकंदराबाद रोड के हाईवे पर मेनली स्थित है। यहाँ पर मेरी हो गई है कार खड़ी है और सीधा यह देख रहे हैं आप हाईवे का लुक है, बहुत ही शानदार ये हॉस्पिटल है और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। और अब हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा, समथिंग 2 से 2.5 घंटा लग गया। और वहाँ पर पूरी जो कल से हमारी जो भांजी थी वो एडमिट थी और उसका इलाज अब फिलहाल पहले से फायदा है और ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर ने बताया समथिंग 1 वीक तक ट्रीटमेंट चलेगा। आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होंगी कल ही। अस्पताल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और आजकल डेंगू और तुम्हारे डेंगू फीवर और टाइफाइड ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इससे अपनी केयर करें और ज़्यादा बाहर खान पीन का भी आप परहेज करें क्योंकि बहुत ज़्यादा केस मिल रहे हैं डेंगू के। और डेंगू जितना भी सर्दी आएगी, जैसे जैसे सर्दी आएंगी तो बहुत ज़्यादा डेंगू देखने को मिलेगा। अब हमने पूरा टोल टैक्स हमारे बीच रास्ते में पड़ता, वहाँ से हमने टोल टैक्स शॉर्ट कर दिया है, बचा लिया, क्योंकि टोल टैक्स का जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ लोकली रास्ते से हम निकल रहे हैं, आगे कभी दिखाना। गाइस शॉर्ट के चक्कर में हम आ गए हैं, पूरा जंगल जंगल का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। टोल टैक्स को बचाने के लिए हमें दूसरा रूट पकड़ना पड़ा, लेकिन ये रूट है तो सही लेकिन गंदा काफी है। और इस रूट के माध्यम से हम निकलेंगे सीधे सिकंदराबाद रोड से ज्वाइंट होंगे और सीधा हमें पकड़ना हाईवे, और हाईवे से हमें टर्न लेना है साजी डेयरी पे और वहां पर हमें खानी है कुछ, वहां की फेमस है खीर और छोले भटूरे, दो चीजें हमें खानी है और वहाँ के मेन्यू को हम देखेंगे क्या क्या हमें खाना पड़ सकता है। तो सफर काफी लंबा रहा और मैडम के लिए तो पेनफुल रहा। अब देखते हैं आगे, देखा होगा आगे कभी। चुके हैं साजी की डेयरी पर, यहाँ पर करेंगे फुल मस्ती, क्या क्या मेन्यू में है ये भी हम देखेंगे। भैया हेलो, 2 1 छोले भटूरा और 3 खीर। सही है 270 छोला भटूरा खाने। ये खीर है, कितना टाइम लग जाएगा भैया? 5 मिनट। छोले भटूरों के लिए दे दिया ऑर्डर, अब यहाँ पर हम खीर पैक करानी है हमें, तो भाई को दे दिए मैंने जो रिसिप्ट थी खीर की, उसको पैक कराने के लिए भाई कर रहे हैं पैक। इनको लाने का मकसद है पूरी गाड़ी में मौन धारण करना, जैसी गाड़ी में बैठती हैं तो इनकी बन जाती है गैस और चक्कर आने लगते हैं, पूरी गाड़ी में ऐसा ही होता है। अब अम्मी करेंगे आराम क्योंकि तबीयत खराब है, बीपी भी बढ़ा हुआ है। अब पहले कर लेते हैं पार्टी, खीर हमने पैक करा ली है और खीर खाएंगे घर जाके। साहजी डेयरी में आए हैं, हर वीक में मेरा वीकेंड में चक्कर लगता है जब भी छुट्टी होती है, लेकिन काम की वजह से डेली राउंड नहीं लगता तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। 1 वीक में भी, कभी कभी 2 वीक में भी आ जाता हूँ, लेकिन पर्सनली यहाँ की जो फेमस है वो है खीर। कभी भी इधर से निकले तो खीर इस रोड की जो साजी डेयरी का वो पड़ता है फ्रेंचाइज, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए पहले खा लेते हैं फ्रूट छोले भटूरे। फाइनल कर लिए पार्टी, अब निकलते हैं घर की ओर और घर चल के करते हैं आराम। काफी समय हो गया है और टाइम भी काफ़ी हो गया, पूरा दिन हमें इसमें गंवाना पड़ा। अब निकलेंगे कुछ फील्ड के लिए क्योंकि विजिट, 1-2 विजिट मुझे कंप्लीट करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या व्यू होता है।
फाइनली हम सिकंदराबाद से आ चुके हैं और अब खाएंगे खीर, जो साजी की खीर फेमस थी। घर पे खाना और वहां पर खाना, फैमिली बहुत ज्यादा है तो वहां पर खाने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। अगर आप जल्दबाजी में था जैसे कि मैं, तो मैंने पैक कराई, हम तीन लोग थे और तीनों के लिए हमने पैकिंग करा ली है घर के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका व्यू, कैसी खीर होती है। बहुत ही ज्यादा इसकी साथियों तारीफ होती है हर जगह साजी के खीर की, वाकई में क्वालिटी है बंदे की और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो दिखाएंगे इसकी पैकिंग और साथ ही साथ खीर का क्या व्यू होता है। घर में आके खीर खाने का लुत्फ जो होता है गाय, बहुत ही शानदार खीर लगती है। अब मैं भी जब भी वीकेंड में जाता हूं तो वहां की जो खीर है 100% खाता हूं, चाहे मुझे कितना भी इमरजेंसी काम हो या विजिट हो। अगर उधर की विजिट भी होती है सिकंदराबाद की तरफ की, तो मुझे खीर खाना बहुत ज्यादा पसंद होती है और खाता भी हूँ। और साजी की हर चीज, दो चीज बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो छोले भटूरे और साथ ही साथ एक साजी की खीर। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लिप पर।